वेलकम बैक गाइस, और एक नए वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज इस वैन के बारे में बात करने वाले, वो तीन दशकों से अपनी सर्विस दे रही है हमारे इंडिया में, स्कूल बसेस से लेकर एम्बुलेंस को यूज करने से लेकर तो गाड़ी फैमिली यूज के लिए। चलिए गाइस, जोक्स अपार्ट, फ्रंट से सबसे पहले वैन को देखते हैं क्या क्या हमें ऑफर करने मिलता था। ये जो पर्टिकुलर मॉडल है 2018-19 के अराउंड का है, यानी कि फाइनल बैच का ये है। गाड़ी की अगर बात करो तो गाड़ी हमें 1984 में लॉन्च की गई थी। से 1984 से गाड़ी काफ़ी सालों तक चलती रही, बहुत ही मिनिमलिस्टिक, छोटी छोटी इसके अंदर चेंजेस हुए ओवर द टाइम, ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए थे गाड़ी के अंदर। ऑलमोस्ट अर्ली 2020 या फिर 2019 के एंडिंग तक गाड़ी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। अब बात करते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या ऑफर करने मिलता था, इंजन का लोकेट होता था, सब कुछ के बारे में। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट के अंदर हमें सबसे पहले देखने मिलेगा वाइपर्स, काफी सटीक यानी कि सीधी इसकी है विंडशील्ड। यहाँ पे है हमें वॉशर का एक दिया हुआ आउटलेट, दोनों तरफ से वॉशर निकलता है। यहाँ पे फ्रंट में हमें हैलोजन हेडलैम्प मिलता है, और यहाँ पे दोनों तरफ से हेडलैम्प, सुजुकी की ब्रांडिंग। यहाँ पे है एक प्लास्टिक का बम्पर, नंबर प्लेट, और यहाँ पे ओनर ने एक्सटर्नल हॉर्न्स भी लगाए, जो मैंने बंद कर दिया हूँ ताकि वीडियो के अंदर आपको ओरिजिनल हॉर्न का साउंड सुना पाऊँ। अब बात करते हैं गाड़ी के राइड प्रोफाइल से। यहाँ के अंदर हमें इसके अंदर जो ORM ऑफर होते हैं वो पूरी तरह से मैन्युअली है। आप मैन्युअली फोल्ड करो, एडजस्ट करो, सब कुछ मैन्युअली आपको ऑफर होगा इसके अंदर। यहाँ पे है डोर को खोलने का नॉच, ये है पीछे का डोर। सबसे ज़रूरी बात यानी इसके अंदर जो डोर ओपन होते थे वो हुआ करते थे स्लाइडिंग से। 5 डोर के अंदर आती थी, 1, 2 उधर से, 3 ये 4, और पीछे की डिक्की की जो हमें मिलता था स्पेस, अब इसे करता हूँ बंद। जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड ये चीज़ है। मैं फिर से एक बार आपको खोल के दिखाता हूँ, काफ़ी आराम से स्लाइड हो जाता है। इतना अच्छा जगह है अंदर घुसने के लिए, बाहर निकलने के लिए। इंसान चाहे हाइट में ज़्यादा भी हो कम भी हो तो भी आसानी से एक्सेस हो सकता है अंदर जाना बाहर आना। से लगा देता हूँ, बाद में अंदर की चीज़ें देखेंगे। अब टायर साइज़ की अगर इसके बात करूँ मैं तो टायर साइज़ भी काफ़ी अच्छी दी जाती थी। 145R12 का इसका टायर साइज देते थे जो कि काफ़ी बड़ा है। इसके सस्पेंशन की बात करूँ तो आगे मैकफर्सन स्ट्रट मिला करता था और पीछे लिप स्प्रिंग मिली करती थी। आपको बता देता हूँ मैं लिप स्प्रिंग किस तरह से होती है। ये है लिप स्प्रिंग, आप जैसे कि उडंडी देख रहे हो, लेट मी शो यू फ्रॉम दिस साइड। ये देख रहे हो आप, ये लिप स्प्रिंग है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोड इसके अंदर भर सको। नीचे है फ्यूल टैंक जो कि कैपेसिटी रखता है 34 लीटर्स की, 34 या 36 लीटर्स है कुछ, देख लेना मैं नीचे लिख दूंगा। फ्यूल टैंक पेट्रोल में आती थी, CNG वेरिएंट, LPG वेरिएंट इसे करके चलाया जाता था। अब आपको बूट स्पेस के बारे में दिखा दूँ इसके। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये है इसका लॉक अनलॉक करने के लिए हैच, इसे दबाने के बाद में ये हो जाती है अनलॉक। अनलॉक होने के बाद में आप जैसे इसे खोलोगे तो इसके अंदर 525 लीटर्स के अराउंड आपको बूट स्पेस ऑफर होगा। इसके अंदर अभी फिलहाल तो बस सीट बेल्ट वगैरह पड़े हुए हैं, इसके अंदर ही टैंक लगता है, बट काफ़ी अच्छा बूट स्पेस आप कह सकते हो इसे। तो अभी जीरा जीरो तो काम कर रहे हो, चल। बच्चों को भी प्यारी लगती है गाड़ी, तो इसी के साथ इसे बंद कर देता हूँ मैं पीछे। अब बात करते हैं इसके पीछे वाले कैबिन के बारे में जो कि है काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस और आराम भरा। अब मैं सबसे पहले बैठकर आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि मैं अंदर बैठ चुका हूँ फिर भी मेरा यहाँ पे, तो ऊपर जो आप देख रहे हो ये पूरी तरह से इन्होंने बनाया है इसे, अंदर से इंटीरियर ऊपर से रूफ पूरी तरह से कस्टमाइज़ की गई है, काफ़ी सारी इसके अंदर डिज़ाइन की गई है। मगर मैं 5'7" के अराउंड हूँ, फिर भी अगर मैं देखूँ तो मैं पूरी तरह से ऊपर लग रहा हूँ। और अब बात करते हैं इसके सीटिंग के बारे में। तो ये जो इधर का सीट है, ये सीट काफ़ी अपराइट पोजीशन में है। और बात करें अब मेरे फुट्स की, तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर ना के बराबरी मिलेगा आपको, जो थाई सपोर्ट है वो बिल्कुल भी नहीं होगा इस वाली सीट के, जो कि एग्जैक्टली ड्राइवर के पीछे वाली साइड है। अब मैं आपको बैठ के दिखा रहा हूँ इस वाली साइड में, जो कि बैठने के लिए ज़्यादा आरामदायक है क्योंकि ये थोड़ी सी अपराइट पोजीशन नहीं है, थोड़ी सी डिक्लाइन है, जिसकी वजह से आप अच्छे से बैठ पाते हो। और यहाँ पे हेड रूम भी आपको उसकी वजह से ज़्यादा अच्छी मिलती है। और करें बात अगर यहाँ पे भी नी रूम की, सॉरी थाई सपोर्ट की, तो थाई सपोर्ट यहाँ पे ठीक ठाक कह सकते हो क्योंकि ये सीट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हमें देखने को ऑफर मिलता है, सॉरी ऑफर करने मिलता है। तो यही अंदर की सीटिंग थी, मैं आपको एक बार पूरा व्यू दिखा देता हूँ अंदर का कैसा था। इस तरह से आप इसे स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर सकते थे, यहाँ पे काफ़ी सारा सामान डाला जा सकता था। ये सीट भी पूरी तरह से फोल्ड होता है ऊपर, ये सीट को भी आप रिमूव करके रख सकते हो। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ करना हो तो काफ़ी अच्छे से इस व्हीकल को आप यूज़ कर सकते हैं। अब करता हूँ इसे, चलते हैं ड्राइविंग साइड से। आपको सबसे पहले मैं इसका इंजन कहाँ पर लोकेट होता है वो दिखाता हूँ।
तो गाइस सबसे पहले मैं आपको इंजन कहाँ लोकेट होता है वो बताता हूँ। इंजन एग्जैक्टली लोकेट होता है यहाँ पे ड्राइवर सीट के नीचे, जहाँ पे ड्राइवर बैठता है यहीं पे। मैं इसे रिमूव करके बताता हूँ, थोड़ा सा पीछे लीजिए कैमरा को, ठीक है। ये सीट मैंने पहले अनलॉक कर दिया गया था। अनलॉक करने के बाद में बस सीट को उठाकर बाहर लेना है ताकि आप कुछ रिपेयर्स कर सको। एंड बूम, ये है इसका इंजन बे। इंजन की अगर बात करूं तो 796 cc का इंजन इसके अंदर मिलता था। इनलाइन 3 इसके साथ में आता था, ये पिस्टन के साथ में इंजन के सेटअप के साथ में इनलाइन 3 इंजन आया करता था इसके अंदर। और ये प्रोड्यूस करता था 34 BHP का पावर और 59 Nm का टॉर्क, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इस गाड़ी का वेट 800 kg इसके अराउंड है, सीसी 800 है इसके अंदर कहते हैं। और अब बात करिए इंजन, उधर के साइड से हेड वगैरह सब कुछ मिलेगा रिपेयरिंग के लिए, उधर का भी सीट इसी तरह से रिमूव होता है। अब गाड़ी के अंदर मिलने वाली चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगी हेडलाइट, उसके अंदर अगर मीटर की बात करो तो यहाँ पे फ्यूल, स्पीडोमीटर, उसके बाद में किलोमीटर का गेज, और यहाँ पे हीट कितनी हुई है और गाड़ी और कूल है या नहीं है उस बारे में। ये इसका पार्किंग लाइट का बटन, स्टार्ट करने के बाद में हैजार्डस लाइट इसकी स्टार्ट हो जाती है, करते हैं बंद, लाइट करता हूँ बंद, यहाँ से डायरेक्ट मिलेगा इसका वाइपर, स्टार्ट करने के बाद में वाइपर मूव होने चालू हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको बस हीटर और कूलर मिलेगा, एसी नहीं आता था, ऑफकोर्स नहीं मिलेगा इसके अंदर एसी। अब बात करते हैं गाड़ी, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है गाड़ी के अंदर, और ये है गाड़ी का ग्लोव बॉक्स जिसके अंदर अभी कुछ नहीं है। बैठने के लिए काफ़ी सारी जगह, यहाँ पे एयर फैन आप जैसे देख रहे हो, फैन का यहाँ पे दिया गया है चीज है, यहाँ से सब कुछ एयर कंडीशन चलता था। गियर की बात करो तो 4 स्पीड मिला करता था, 5 में रिवर्स पकड़ के बोला बट वो नहीं पकड़ा जाता, 4 स्पीड गियर बॉक्स मिलता था रिवर्स। ये है इसका हैंड ब्रेक, अब पता था आपको इसके विंडोज को कैसे रोल ओवर करते थे, विंडोज यहाँ पे मैन्युअली ऑपरेटेड थे। और पीछे वाले विंडोज की अगर बात करो तो पीछे वाले विंडोज के अंदर डोर की तरह स्लाइडिंग ऑप्शन मिलता था, इस तरह से ये हो जाते थे लॉक। और इसे अनलॉक करने के लिए यहाँ से पहले बैठ लेता हूँ अच्छे से, ये यहाँ से पकड़ कर इसे इस तरह से ये हो जाते थे ओपन। सीट बाहर रखा हुआ मैंने, अब जल्दी सीट को अंदर करता हूँ इंस्टॉल। और इंस्टॉल करने के बाद में एक अच्छी सी राइड मार्कर आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी चलाने में कैसी लगती है। चलिए जल्दी से देखते, तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसे राइड कर। थोड़ा सा इवनिंग का टाइम हो चुका है, तो शायद रात के टाइम पे आप समझ नहीं सकोगे या क्लैरिटी कम ज़्यादा हो सकती है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिए गाइज। और चलिए चलते हैं बस में लेकर गाड़ी को। बस में ऑलमोस्ट 30 का स्पीड, और गाड़ी के आगे बोनट नहीं है ना, उस वजह से गाड़ी की जो विजिबिलिटी है वो जबरदस्त है, जस्ट अमेजिंग। मतलब आप एकदम क्लियर देख सकते हो कि आगे क्या है और क्या नहीं। थर्ड गियर में ऑलमोस्ट 60 चली गई गाड़ी, जो कि एक अच्छा आप इसे माइलेज कह सकते हो। थर्ड गियर में 60 तक चली गई गाड़ी, इसे आप एक अच्छा पिकअप कह सकते हो, क्योंकि गाड़ी का इंजन सिर्फ 800 cc का है। गाड़ी के अंदर अभी 4 बंदे को बिठाया हूं मैं, और सस्पेंशन भी काफी अच्छे वर्क कर रहे हैं गाड़ी के। पीछे लीप होने की वजह से अगर ये खाली होती तो काफी ज्यादा बम्पी सा राइड होता, बट पीछे भी बंदे बैठे हैं जिस वजह से काफी अच्छा राइड मिला। हाईवे के ऊपर अप टू 90 किलोमीटर तक तो आराम से चले जाएगी गाड़ी, क्योंकि जिस तरह से चल रही है बड़ी ही सॉफ्ट चल रही है गाड़ी। चलते हैं आगे, थोड़ा सा लेता हूँ इसे सिटी के अंदर। हाईवे के ऊपर तो काफी जबरदस्त इसका परफॉर्मेंस मैं कहूंगा। मतलब गाइज आप ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करो इसे, फैमिली के लिए यूज करो, या जैसे कि स्टार्टिंग में किडनैपिंग के लिए यूज की गई, किसी भी चीज के लिए यूज करो, काफी अच्छा। माइलेज की अगर बात करो तो गाड़ी 13 km/l से लेके तो 18 km/l तक दे देती थी। हाईवे पे चला रहे हो या आप सिटी में चला रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है कितना माइलेज निकाल कर देगी, बट कम जगहों में, ट्रैफिक भरी सड़कों में या फिर उबर खाबड़ जगहों में भी आप इसे काफी अच्छे से चला सकते हो, काफी अच्छे से यूज कर सकते हो गाड़ी को। सी ब्रेकिंग भी काफी जबरदस्त, गाड़ी चलाने में एक फील आ रहा है, और ना जाने क्यों गाड़ी के ऊपर आप जैसे ही बैठेंगे चलाने, आपको एक अलग सा फील होगा कैरेक्टर की, आप या तो गैंगस्टर हो या तो आप कोई भाई हो, ऐसा आपको ऑटोमेटिक फील होगा अंदर से ही। मगर गाड़ी काफी प्यारी है चलने में, आप डायरेक्टली सीट के अपने सॉरी डायरेक्टली इंजन के ऊपर बैठते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हीटेड सीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब आप ज्यादा देर तक इसे चलाते हो तो ये ऑटोमेटिक, मतलब ये 2 टाइम से फीचर दिया गया था आपको, सर्दी गर्मी के अंदर
अगर गाड़ी को हीट जो फंक्शन लगाया जाता है अलग से, उससे बेहतर था कि ये आप नेचुरली आपका सीट हीट हो जाता है नीचे से पूरी तरह से, तो आपको हीट का एक काफी अच्छा एहसास मिलता है सीट के अंदर, क्योंकि बिल्कुल नीचे है आपके इंजन। बाकी तो गाड़ी तो काफी प्यारी चल रही है, ऑन ऑल बिल्कुल ही स्टेबिलिटी के मामले में काफी बम्पी है गाड़ी, काफी ज्यादा ऊपर नीचे झोले मार रही है गाड़ी, पर खैर काफी अच्छे से चल सकती है गाड़ी अभी भी, काफी सारी गाड़ियां अभी भी चल रही है। तो यही था गाड़ी के राइड के बारे में, और ज्यादा कुछ दिखाने के लिए तो गाड़ी के राइड में है नहीं। चलिए जल्दी से कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। तो गाइज यही था सब कुछ गाड़ी के बारे में, जैसे कि आपने ड्राइव भी देखी काफी ज्यादा अच्छे से चलती है, क्योंकि ये मॉडल ज्यादा यूज नहीं हुआ है इस वजह से पर्टिकुलर इसकी बात कर रहा हूँ मैं, मगर जो ज्यादा भी वेयर आउट होती है वो भी कभी हार माने हुए मैंने देखा नहीं हूँ, ओवर हीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इस कार के अंदर। और जो रही मेंटेनेंस की बात, वो भी कम से कम होती है इस गाड़ी के अंदर। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है 165 mm का, जिस वजह से आप ज्यादा से ज्यादा ऑफ रोडिंग वगैरह भी कर सकते थे। लीव स्प्रिंग होने की वजह से ज्यादा ओवरलोड आप इसके अंदर वेट डाल सकते थे। अच्छी तरीके से चलती थी गाड़ी, काफी लोगों के पास हुआ करती थी, अब तक भी आपको रोड से ऊपर दिखती होगी गाड़ी, काफी ज्यादा इंडियन कल्चर को इसने इन्फ्लुएंस किया है, मदद की है हर एक सेक्टर के अंदर गाड़ी ने। आपको ये गाड़ी कैसी लगी जरूर बताना, ऐसे ही वीडियोस अगर आप और भी चाहते होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर देना। और यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए बाय।